दौर में हमें पहले की तरह हर एक काम के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पहले पैसे निकालने के लिए बैंक ही जाना पड़ता था, तो वहीं अब इसकी जगह एटीएम मशीन ने ले ली है। आपको बस अपने डेबिट कार्ड को मशीन में लगाकर प्रोसेस करना है और आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि कई काम अब भी ऐसे हैं जिनके लिए हमें बैंक ही जाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अगस्त महीने में किसी काम के लिए बैंक जाने वाले हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि कहीं उस दिन बैंक की छुट्टी तो नहीं। तो चलिए जानते हैं अगस्त में कितने दिन और कब कब बैंक बंद रहेंगे। 3 अगस्त, इस दिन केर पूजा के कारण अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। 8 अगस्त, तेंदोंग लो रमफात की वजह से गंगटोक के बैंकों में छुट्टी रहेगी। 13 अगस्त, देशभक्त दिवस होने के कारण इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त, इस दिन देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इसीलिए पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा, जिसके कारण इस दिन पूरे देश के बैंकों में छुट्टी रहेगी। साथ ही 19 अगस्त, रक्षाबंधन के कारण उत्तराखंड, दमन और दीव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे। 20 अगस्त, इस दिन श्री नारायण गुरु जयंती मनाई जाएगी, जिसके कारण कोच्चि और तिरुवनंतपुरम के बैंकों में छुट्टी रहेगी। 26 अगस्त, जन्माष्टमी होने की वजह से अंडमान और निकोबार, पंजाब, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, दमन और दीव, नागालैंड, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम, गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के बैंक बंद रहेंगे। तो हमारे चैनल पर खबरों का सिलसिला इसी तरह बना रहेगा। अगर आपको हमारी खबर यानी कि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इसे कर दीजिए लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।